अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। शनिवार को कॉलेज प्रशासन के खिलाफ काली पट्टी बांधकर काम किया गया। जूनियर डॉक्टरों को पिछले 3 माह से 15 तारीख के बाद ही स्टाइपेंड मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने छात्र फंड से कार्यक्रम के लिए भी राशि देने से इनकार कर दिया, इसका भी जूडा विरोध कर रहे हैं। देखिए खास खबर। समय पर स्टाइपेंड न मिलने, जूनियर डॉक्टर्स के लिए सुविधाएं ना होने और आयोजन के लिए छात्र फंड से राशि ना मिलने से जूनियर डॉक्टर्स नाराज है। शनिवार से जूडा ने काली पट्टी बांधकर काम करना प्रारंभ कर दिया है। जूडा एसोसिएशन की उपाध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति वर्मा ने बताया है कि डीन डॉक्टर संजय दीक्षित से लेकर संबंधित शाखा के बाबू तक को हमारी परेशानियों से अवगत करा दिया गया है, फिर भी समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और वेतन समय पर नहीं मिलने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नियमानुसार स्टाइपेंड माह के शुरुआत में ही मिलना चाहिए। डॉक्टर वर्मा ने बताया है कि कॉलेज प्रशासन हर छात्र से 1500 रुपये फीस के अतिरिक्त लेता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर हमें कुछ भी नहीं मिलता। जून माह के अंत में जूनियर डॉक्टर आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर एक आयोजन करना चाहते थे। इसके लिए डीन से हमने 2 लाख रुपये की डिमांड रखी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। 600 छात्रों से कॉलेज प्रशासन अतिरिक्त राशि प्रति छात्र 1500 रुपये लेता है, जो कि 9 लाख रुपये से अधिक होती है। इतना ही नहीं, साइकिल स्टैंड के नाम पर भी 350 रुपये लिए जाते हैं, जो 2 लाख रुपये से अधिक होते हैं। छात्रों से इतनी अधिक राशि लिए जाने के बावजूद भी उन्हें मेडिकल कॉलेज प्रशासन कोई सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराता है। सबसे पहली मांग हमारी है कि हमारा जो स्टाइपेंड होता है वो 15 तारीख के बाद ही आता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो महीने के शुरुआती 7 दिन होते हैं उसमें हमारा स्टाइपेंड आए। दूसरी बात ये है कि JDA जो होता है, JDA जो है वो अपने फंड से हॉस्पिटल में वाटर कूलर और AC लगवा रहा है, तो हमारा जो सरकारी फंड है उसका क्या यूज़ होता है वहाँ पर, तो उसका भी हमने डीन को लेटर लिखा, उसका संज्ञान लिया है, तो वो भी हमारे लिए एक मुद्दे का बात है। तीसरी बात ये है कि हम जो हैं स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, हम हर साल 1500 रुपये कॉलेज को देते हैं स्टूडेंट यूनियन फंड के नाम पर, उसमें से हम चाहते हैं कि कम से कम हमें 2 लाख रुपये JD नाइट जो हमारा एक आयोजन है उसके लिए डीन हमें दें, क्योंकि डीन सर जो है एनुअल फेस्ट के लिए UG बच्चों को देते हैं। UG का जो फेस्ट होता है एनुअल फेस्ट, उसमें सीनियर मतलब डॉक्टर जो हैं हमारे रेजिडेंट डॉक्टर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो उनकी ड्यूटी इतनी बिजी रहती है, वो लोग ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसलिए JDA जो है वो अपना एक प्रोग्राम बना रहा है। उसी फंड को से हम भी पैसा लेना चाहते हैं कि हमें भी वो पैसे दिए जाएँ। बाकी यही हमारी समस्याएं हैं जिन पर हम फोकस कर। स्टाइपेंड लेट आने से देखिए, अगर मैं अपने घर पर भी पैसे भिजवाती हूँ तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर आश्रित हैं, तो वो उनका पूरा नहीं हो पाता है। दूसरा, मैं अपने खाने की समस्या है, मैं पेट्रोल कैसे भरवाऊँ, मेरी दैनिक जो जीवन की समस्याएं हैं वो मैं पैसों से ही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि देखिए 600 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टाइपेंड जो है डिले आता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को मिला के 600 जूनियर डॉक्टर्स हैं जो प्रभावित हुए हैं इस चीज़ से। जूडा के प्रवक्ता डॉक्टर गौतम ने बताया है कि MY अस्पताल की हालत ऐसी है कि यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों के लिए कूलर पंखे AC तक नहीं है, खुद ही अपने पैसों से AC लगवाना पड़ा। उन्होंने बताया कि मेल डॉक्टरों के लिए वॉशरूम तक की सुविधाएं नहीं है, यदि हमारी सभी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो बेसिक न्यू है किसी भी मेडिकल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल की, अगर किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल को चलाना है तो जूनियर डॉक्टर्स ज़रूरी है। जूनियर डॉक्टर्स अपना क्या समय निकाल के 24 घंटे भी ड्यूटी करते हैं, हफ्ते में 1-2 24 घंटे 36 घंटे ड्यूटी करते हैं। कल से मैं ड्यूटी पे हूँ, ऑन ड्यूटी अभी भी ड्यूटी पे हूँ मैं, कल से OT कर रहे हैं हम, इमरजेंसी OT, ये सब हमें देखना होता है। इस दौरान हमारे पास क्या बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं रहती, जिसके लिए कई बार हमें लड़ना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहस करनी पड़ती है, लोगों के सामने बात करनी पड़ती है। कई बार हमें पेशेंट शिफ्ट कराने में आधा आधा घंटा 2-2 घंटा लग जाता है, तब तक हमें वार्ड बॉय ट्रॉली नहीं मिल पाती है। जीवन जहां हम ऑपरेशन करते हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले ऑपरेशन किया, ऑपरेशन थिएटर में AC नहीं है। हम यही चाहते हैं कि अगर जो सबसे मूलभूत चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाए, जैसे कि अगर हमारे पास जहाँ हम काम करते हैं तो एटमोसफियर सही रहे, जो बेसिक नीड है कि स्टरलिटी मेंटेन हो OT की प्रॉपर प्रकार से, जैसे कि ये जूडा कमेटी ने डिसाइड किया है, अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो हम आगे का हो सकता है प्रदर्शन करें। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित से भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।